पुष्पांजलि मेंस वेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 3400 मरीज मिले तो जिले में 16 मरीजों के सैंपल पाए गए पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर सोमवार को चलाया गया विशेष अभियान, माइल कर्मचारियों के साथ जिला कोर्ट और अस्पताल के कर्मचारियों को लगाया गया टीका। मदर टेरेसा सेवा समिति ने वनों में लगी आग को बुझाने सोमवार से शुरू किया अभियान, ग्रामीणों से भी आग बुझाने में योगदान निभाने की अपील की। वन श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने का फरमान वापस लिए जाने की मांग, सैकड़ों वन श्रमिकों ने DFO वरखड़े को सौंपा ज्ञापन। आगजनी की घटनाओं को रोकने में इन्हीं वन श्रमिकों का लिया जा रहा है योगदान। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 3399 केस मिले हैं। इस दौरान 15 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 22,000 के पार हो चुका है। बालाघाट जिले की बात करें तो यहां पर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 164 पहुँच गई है। 4 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 13 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। 111 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 23 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया और 15 मरीजों को ICU में भर्ती रखा गया है। जिले में 4 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 92,338 सैंपल लिए जा चुके हैं। रोकने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसी के तहत सोमवार को विशेष अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस अभियान के तहत जिला सत्र न्यायालय, जिला अस्पताल और मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड इन 3 स्थानों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगना है और जिले में इस आयु वर्ग के साथ ही अधिक आयु वर्ग वाले लगातार टीका लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए आज विशेष टीकाकरण अभियान जिले में चलाया गया। जिला सत्र न्यायालय, जिला अस्पताल और मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार के 45 साल से अधिक उम्र के सदस्यों ने टीकाकरण कराया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला है, ये भ्रम न पाले। वैक्सीनेशन पूर्णतः सेफ है, सुरक्षित है। वैक्सीनेशन के बाद आप कोविड पॉजिटिव तो हो सकते हैं, लेकिन आप तो पॉजिटिव होने के बाद जो गंभीर समस्याएं आती थी और जो एक मोर्टेलिटी होती थी, मृत्यु की संभावनाएँ थी, ये संभावनाएँ नगण्य हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो इस वायरस से लड़ने में सक्षम है। बालाघाट रेंज के दक्षिण सामान्य वन मंडल में इन दिनों जंगल में लगी आग की घटना से हर कोई हतप्रभ है। फॉरेस्ट अधिकारी लगातार इस भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। कभी इस बीट में तो कभी उस बीट में आग की घटनाएं लगातार हो रही है, जिसे देखते हुए अब ग्रामीण भी सजगता के साथ आग बुझाने के लिए निकल रहे हैं। सोमवार को मदर टेरेसा सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश मरार के नेतृत्व में दर्जन भर युवाओं की टीम ज्वाला देवी पहाड़ी के पीछे लगी आग को बुझाने के लिए निकल गई, जहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक इस क्षेत्र के जंगल में लगी आग को बुझाने का कार्य किया।
उन्होंने ग्रामीण जनों से भी अपील की है कि वे थोड़ा समय निकालकर जंगल में बेकाबू होती आग को बुझाने में अपना योगदान निभाए। इस दौरान मदर टेरेसा सेवा समिति से साहित्य चंदेल, गौरव श्रीवास्तव, इमरान खान, अतीक अली, आनंद पिछोड़े, आकाश नागेश्वर, सुरेश नागरे, विकास मेसराम, अखिल मेसराम, वनकर्मी निसार खान, सतीश दुबे सहित अन्य युवाओं ने आग को बुझाने में अपना योगदान दिया। काटो उसको, काटो, बुझा भी दो और काट भी दो, ऊपर चढ़ने मत दो अंगार को। बढ़िया, वो वाली भी देखो, ये एक कोना नहीं, उधर देखना पड़ेगा ना, उसको अच्छे से उधर देखना है। हाँ बढ़िया, हमें पास में मजे अच्छे हो गया, हो गया, हो गया। ये रहते हवा पकड़ती है। बैहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धूरे मेटा में दो घरों में अचानक आग लग गई, जिससे इन परिवारों को आगजनी के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें उचित मुआवजा दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलकंठ रांगडाले भी मौजूद रहे। बताया गया कि आगजनी की यह घटना धूरे मेटा निवासी सुदामा पटले और महेश पटले के घर में हुई, जिससे घर गृहस्थी का सामान इस घटना में जलकर राख हो गया है। बालाघाट जिले के जंगल और पहाड़ों में आगजनी की घटना से वन्य जीवों के साथ पेड़ पौधों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर जंगलों में जिनके ऊपर जमीनी स्तर पर आग को रोकने का दायित्व है, ऐसे वन श्रमिकों को काम से निकाले जाने का फरमान राज्य सरकार ने सुनाया है, जिससे प्रदेश सहित जिले के जंगलों में कार्य करने वाले हजारों वन श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट उमड़ गया है। 1 अप्रैल से बंद हुए इन वनकर्मियों ने पुनः काम पर लिए जाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिन वन श्रमिकों को बंद कराया गया है, उन्हीं के द्वारा आज वनों में लाइन कटाई का कार्य कर आग से बचाने का कार्य भी चल रहा है। DFO GS वरकड़े ने वन समितियों के माध्यम से वन श्रमिकों को भविष्य में पुनः रखे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में निकाले गए श्रमिकों को आग बुझाने के लिए काम पर लिया गया है। पहले हम लोग वन विभाग से रखते थे, अब शासन ने वो निर्देश दिए हैं कि अब इस बार जो है समिति के माध्यम से ही वन सुरक्षा का कार्य कराया जाना है, निकाले नहीं जा रहे हैं। केवल हम डिपार्टमेंट से, अगर हम जैसे लगाए कि वन विभाग का अगर उसके कार्य कर रहे हैं तो वन विभाग से हट गए, अब समिति के माध्यम से सुरक्षा का कार्य कराया जाना है। बालाघाट नगर के ATM में इन दिनों कैश की किल्लत देखने मिल रही है, जिससे ग्राहक दिन भर यहां से वहां भटक रहे हैं। स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, बड़ौदा बैंक सहित सभी बैंकों के ATM खाली पड़े हैं। जहां कुछ ATM में पैसे निकल रहे हैं, वहां लंबी लंबी लाइनें भी लग रही है। ग्राहकों ने कैश की किल्लत पर भड़ास निकालते हुए स्थानीय प्रशासन और बैंकों की लापरवाही पर जमकर निशाना साधा है। अच्छा, और इसके पहले और शहर के कितने ATM घूमते हैं? स्टेट बैंक वाला और सहारा में 3 है, उसके बाद उधर और एक है, 3 जल्दी चौथा है, मतलब अच्छा कहीं से पैसे निकल वैसे पैसे निकल रहे, पूरे शहर के में निकल रहे। कितने ATM घूम चुके हैं आप? मैं 4 ATM। अच्छा, तो अभी तक कहीं पर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला? परेशान हो गया हूँ मैं, कम से कम 10 ATM चला गया, 10 ATM में कहीं भी पैसे नहीं निकल रहे, तो मेरे समझ में नहीं आता है यहाँ का शासन प्रशासन के सोया हुआ है। कल को अगर किसी की जान बचानी और पैसे की आवश्यकता पड़ जाए इमरजेंसी में, उस समय क्या करेंगे हम? तो मैं सोचता हूँ इसका जिम्मेदार यहाँ के बैंक प्रबंधक है और यहाँ के कलेक्टर का। हमको जिले में ऐसे कलेक्टर और प्रबंधक नहीं चाहिए जो जनता के साथ खिलवाड़ करें।